morning, sir. Good morning. Mera interview tha abhi. Your name, sir? Gaurav. Sir, have a seat. I will let you know. Sir, you have your interview in 10 minutes. Ma'am, pani kahan milega?
दी हुई सब मोह माया, वो क्या रहा तुम्हारा निर्णय? क्षमा करे महाराज, भले ही राज दरबार में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा, किंतु गांव के इतिहास में मेरा नाम दगाबाजों में होगा। सरकार दगाबाजों में होगा। अंदाजा भी आप क्या करने जा रहे हैं? अरे भाई, बाहर जाने का मौका मिला है, पैसा ज्यादा है, तरक्की
आता है, क्यों ना जाओ? अरे बिल्कुल जाइए सर, आपके यहाँ रुकने से होगा ही क्या? शायद जाने बच जाए, दो चार बच्चे पढ़ लिख जाए, या फिर आप जैसा कोई और इंसान हाईली स्किल्ड बन जाए। अरे भाई इमोशनल मत करो, करप्शन देखा इस देश में, बिना किसी की काटे कोई काम होता है क्या? सर माना करप्शन है, पर बस इतना बता दीजिए कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग देश में नहीं रहेंगे तो इसे रास्ते पर लाएगा कौन? कोई फरिश्ता आएगा क्या? अरे मुझे बस इतना बताओ कि मेरी सरकार ने मुझे आज तक दिया है क्या है, और मुझे नहीं लगता आगे भी कुछ दे पाएगी। हाँ सर, आपने पढ़ाई कहाँ से करी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मतलब कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार आप पर कितना लगाती है और आपसे कितना लेती है। चाहे एम्स की बात कर लीजिए सर, जहाँ एक डॉक्टर बनाने के लिए सरकार आप पर 1,70,00,000 रुपए खर्च कर देती है, और आपसे लेती कितना है? 30,000 रुपए। TU, IIT, NLU। भाई अगर मुझे आप पर बिजनेस करना है तो क्या परमिशन इश्यूज, इन्वेस्टमेंट इश्यूज, झंझटों की कमी नहीं है इस देश में। सर अगर आप यहाँ बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, तो आपकी सरकार आज पूरी कोशिश कर रही है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े और जॉब क्रिएट करें। देशभक्त, अगर तुझे बाहर जाने का मौका मिले, पैसा ज्यादा हो तरक्की ज्यादा हो, तू नहीं जाएगा क्या? सर लगता है आप अपने देश की समस्याओं से वाकिफ ही नहीं है, फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लेते ना, तो जान जाते हमारे देश में मौकों की कमी नहीं है। वाह सर वाह, सुना आपने, मौकों की कमी नहीं है। अरे जनाब मौकों की भी तो कमी नहीं है, ये मौका जिसके आप बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, असल में वो इस देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, हमारी 125 करोड़ की आबादी। सर जरा सोच कर देखिए, अगर हमारी आधी जनता भी हाईली स्किल्ड बन जाए तो चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, आपकी आने वाली पीढ़ी सर कभी ये नहीं बोल पाएगी कि मुझे मेरे देश ने क्या ही क्या। अच्छा तो जनाब आपके इस लंबे चौड़े भाषण से इन ताली मारने वालों में से अगर रुक जाए ना तो मुझे जरूर बुलाना, मैं भी रुक जाऊंगा। मारो ताली, लौट आया वो युवक वापस गांव को, अपने स्वदेश की मिट्टी ने उसे बुलाया, माटी को वो सोना बनाए, देश प्रेम ही उसको भाया। सोचे विचारे मन भूल गया रे, और अगर अपने घर में दिया ना जला हो तो परदेश में दिवाली मनाया नहीं करते।